राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालगोदाम रोड में शनिवार को जिला स्तरीय बोर्ड एवं सृजनात्मक कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मलाराम चौधरी, प्रधानाध्यापिका लक्ष्मी बख्तानी सहित कई लोग उपस्थित रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालगोदाम रोड बाड़मेर में शनिवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जिला स्तरीय सृजनात्मक कौशल अभिवृद्धि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मल्लाराम चौधरी, कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी बख्तानी, अंतरदेवी गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधानाचार्य अनिता चौधरी बतौर अतिथि शरीक हुए। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विभिन्न ब्लॉक से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान आयोजित हुई निबंध प्रतियोगिता में अफशाना ने प्रथम, बुलताला राम ने द्वितीय और शिवलाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह आशुभाषण प्रतियोगिता में इब्राहिम खान ने प्रथम, नैना राम ने द्वितीय और रफीक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। क्विज प्रतियोगिता में देवी ने प्रथम, हितेश कुमार ने द्वितीय एवं उगम सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार चित्रकला प्रतियोगिता में हेमांद्री ने प्रथम, मीनाक्षी ने द्वितीय और मोतीलाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बोर्ड सृजनात्मक प्रतियोगिता यानी विद्यार्थी के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रतियोगिता। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, फलाना करो और वो करो, रैलिया निकालो, घूमते रहो, लेकिन प्रतियोगिता नाम पे जो होती है उस समय प्रतिभागियों की संख्या थोड़ी न्यून रहती है। वाद विवाद प्रतियोगिता में हनुमान राम व प्रकाश चौधरी ने प्रथम, सद्दाम खान व काजल ने द्वितीय, गौतम व जगदीश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार एकल गीत प्रतियोगिता में पवनी ने प्रथम, सोनल ने द्वितीय, रुक्षाना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नाट्य प्रतियोगिता में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने प्रथम, जसई हाई सेकेंडरी स्कूल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह डायरी लेखन प्रतियोगिता में हरचंद राम ने प्रथम, प्रकाश कुमार ने द्वितीय और ज्ञानी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। समारोह में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। व्याख्याता शांति बोहरा ने सभी का आभार व्यक्त किया।